डियर फ्रेंड, नाउ स्टार्ट सैंपल पेपर ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 10 CBSE बोर्ड MCQ नंबर 31 to 48। क्वेश्चन 31 to 35 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट असेशन एंड द रीजन मिड क्वेश्चन एंड इसका रीजन। वन टाइप ऑफ एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या इसका आंसर मतलब रीजन ट्रू है वो अपने को फाइंड करने का है। आंसर दिस क्वेश्चन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों राइट है, आर है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए के अंदर आएगा। बी के अंदर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऐसे तरह अपने को सिलेक्ट करने का है, कभी स्टेटमेंट राइट है, इसका जो रीजन दिया है वो राइट है, वो अपने को खास देखने का है या अपने को डिटेक्ट करने का है कि विच आर राइट ऑप्शन। एसरशन फ्रेश मिल्क इज द विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट ए कर्ड। हम जानते हैं कि फ्रेश मिल्क होता है ये समर सीजन के अंदर जल्दी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब फ्रेश मिल्क के अंदर लंबे टाइम के रखने का हो तो बेकिंग सोडा की फॉर्मूला है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, एसेशन सही है। रीजन दिया है बेकिंग सोडा डिक्रीज pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू दिस बिलो द 6। रीजन क्या दिया हुआ है, बेकिंग सोडा ऐड करने से फ्रेश मिल्क की pH 6 से कम हो जाती है। आप समझो बराबर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका रीजन क्या है, हम समझेंगे जो फ्रेश मिल्क है इसकी pH वैल्यू 6 point something है या 6 के अराउंड है, और ब्लीचिंग सोडा ए बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी pH है अप्रोक्सीमेटली 8 point से 9 point, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी pH है। ये दोनों के pH अप्रोक्सीमेटली कितनी है, तो NaHCO की तो ये pH है, तो दोनों की एवरेज जितने हम बेकिंग सोडा ऐड करते जाएंगे इतना मतलब बेसिक प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा। इन शॉर्ट जो 6 pH है वो बढ़ के 6 के बदले मोर देन 7 to 8 के बीच में हो जाएगी, और आगे बढ़ो तो और बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट पहला राइट है दूसरा रॉन्ग है, तो पहला राइट है और दूसरा रॉन्ग कौन सा है, तो सी के अंदर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, तो कौन सा आंसर मिलेगा, इसके अंदर आंसर मिलेगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, डी कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ए केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज, दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर तो क्या है, तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी,
तो एसेशन रॉन्ग आहे. दुसरा रीजन, डिकम्पोजर रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू द सिंपलर. तो कैसा है मतलब, तो राइट है. तो पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, तो कौन सा है, तो सेक्शन डी में आएगा. तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, डी मिलेगा. अभी वी स्टार्ट द 33 क्वेश्चन. रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड, रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जैलम टिश्यू इन द प्लांट. ये बिल्कुल बराबर है कि जो बड़े ट्री होते हैं इसको हम कुल्हाड़ी से हम घा करेंगे, इसमें जो लिक्विड थिकनेस वाला लिक्विड निकलेगा, सम टाइम ब्लैकेज भी लिक्विड निकलता है, वो रेजिन के फॉर्म में होता है और गम के फॉर्म में होता है. ये बिल्कुल ये करेक्ट है. मतलब तो रीजन, रेजिन एंड गम फैसिलेट द ट्रांसपेरेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल को ये फैसिलेट करता है, मतलब ट्रांसफर करता है. ये तो ठीक है, ये ट्रीटमेंट फॉल्स हुआ. तो पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है. तो कौन सा है मतलब, तो रीजन कौन सा आएगा, तो सी आएगा. तो 36 के अंदर आंसर सी होगा. हम देखते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. अभी नंबर 34. एसेशन, स्काई अपीयर ब्लू इन द डे टाइम. तो बिल्कुल बराबर है, डे टाइम नाइट टाइम स्काई अपने को कैसा लगता है, तो ब्लू लगता है. तो रीजन दिया है कि वाइट लाइट इज कंपोज ऑफ द सेवन कलर. अगेन ही हैज टू एक्सप्लेन. इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत थी कि इसके अंदर सेवन कलर का बना हुआ है, इसमें मैक्सिमम डेविएशन ब्लू कलर का है, स्कैटरिंग ब्लू कलर का है, इसलिए अपने को स्काई ब्लू लगता है. ये क्या दिया है, कभी इसके हम देखेंगे अंदर तो कौन सा रेजिन होना चाहिए अपने को, बराबर ये हम देखते हैं. तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, बट इसका प्रॉपर मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं किया हुआ है. इसके लिए हम देखते हैं तो कौन सा आना चाहिए, तो ए एंड बी आर ट्रू. तो पहला तो पॉसिबल नहीं है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ए ट्रू है, ए दोनों ट्रू है, बट सेकंड का आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. में आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, में आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो हमने देखा कि जो आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम स्कैटरिंग कलर इज ब्लू, मैक्सिमम डेविएशन कलर इज ब्लू, देयरफॉर इट सीम टू बी ब्लू कलर. नाउ वी स्टार्ट द 35 क्वेश्चन. 35 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शो द रीजन रिएक्शन ऑफ द फ्यू एलिमेंट विच एसिड एंड बेस इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस. एसिड है, बेस है, हम आगे पढ़े कि एसिड और बेस होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है. और टेबल गिवन बिलो शो द रिएक्शन ऑफ ए फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट है, एलिमेंट कंपाउंड है, विद एसिड एंड बेस इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस. तो पहला बात करें तो एलिमेंट के साथ एसिड करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, बराबर. ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल नहीं है. नंबर बी, तो ये राइट होना चाहिए. नंबर सी, ये भी राइट होना चाहिए. डी भी राइट होना चाहिए. बट बेस के अंदर, समटाइम बेस के अंदर भी ये पॉसिबल है, कभी ये हाइड्रोजन वायु प्रोड्यूस करता है. दूसरा है मतलब ए है, ये रॉन्ग है, ये दोनों राइट है. देखो यहाँ कोई मिस्टेक लगती है कि बी और डी दो में दिया हुआ है, यहाँ तो बी और डी दोनों वाला है,
तो कौन सा वाला आंसर राइट है? बराबर, तो अपने पास आंसर इज डी, तो डी इज राइट एंड बी इज ऑल्सो ए राइट। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन आंसर के अंदर समथिंग मिस्टेक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कभी दोनों दो ऑप्शन सेम पॉसिबल नहीं होना चाहिए, या दूसरा होना चाहिए बी और ए होना चाहिए, या इसमें कोई चेंज होना चाहिए बी और डी, तो दोनों ऑप्शन बी एंड डी दोनों राइट हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल, ओनली वंस वन टाइमिंग ऑफ द पासिंग पैसेज थ्रू ए बॉडी। तो सिंपल बात करें, हम थिंकिंग करते हैं कभी ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, सब हार्ट है, मतलब ये फोर चैम्बर के बने हुए होते हैं, इनमें डबल सर्कुलेशन है, फिश है, फिश के अंदर हार्ट है, ये टू चैम्बर का बना हुआ होता है, तो इसके अंदर पॉसिबल है कभी वन टाइम सर्कुलर हो जाए। यहाँ सपोज ये फिश है, ये फिश का हार्ट है, तो यहाँ से सपोज बॉडी पार्ट में जाएगा, वापस प्योरीफाई करके वो आएगा, मतलब तो वन टाइम ही आएगा, इसलिए कौन सा आंसर पॉसिबल है? तो अब फिश तो क्या लिखा है, मतलब ये फिश है, स्टार्ट है, डॉल्फिश है, स्ट्रिंग रे है, ये फिश है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? तो डी ऑप्शन आएगा, तो आंसर इज डी। या रैबिट है, ये सब एनिमल है, मतलब इसके अंदर ये फ्रॉग है, ये लेपर्ड पिजन है, इसमें पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? तो ऑप्शन डी राइट है। अभी क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ए ब्लड वेसल, आर्म वॉल ऑफ द एवेली इन द ग्लोमेरुल्स ऑफ द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन के अंदर कौन सा होता है, मतलब तो सिंपल बात करें कि एवेली क्या है, तो थिन कैपिलरी के बने हुए हैं, तो थिन कैपिलरी क्या होती है, इसकी वॉल पतली होती है, पतली क्यों होती है, जैसे गैस का एक्सचेंज ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे, ये मेन रीजन है। तो थिक वॉल आर्टरी रिचली सप्लाई विद द ब्लड, ये तो रॉन्ग है। थिन वॉल वेन पोर सप्लाई विद द ब्लड, ये भी रॉन्ग है। नंबर सी, थिक वॉल, अगर थिक वॉल है वॉल होती तो जो गैस की एक्सचेंज होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देने का, ऑक्सीजन लेने का, ये पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या आंसर पॉसिबल है? तो डी आंसर पॉसिबल है। तो थिन वॉल कैपिलरी, बाल जैसी पतली नली, ब्लड विसल रिचली सप्लाई द ब्लड, रिचली सप्लाई द ब्लड, तो दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर द एक्सक्रेशन एज कंपेयर टू एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलो? यहाँ खास रखने, याद रखने का, या नॉट फॉलो बाय द प्लांट फॉर द एक्सक्रेशन, दे कैन गेट रीड एज द एक्सेस वाटर बाय द ट्रांसपरेशन, वी नो दैट बी बाई द हेल्प ऑफ द स्टोमाटा एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर वी बी इवापोरेटेड, वाटर इज ट्रांसपरेशन होता है, तो ये तो भी अपने को या नॉट लिखा है तो ये करेक्ट है। दे सिलेक्टिवली फिल्टर द टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर कर तो करता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग है।
वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज ए रेजिन एंड गम। तो आगे वाले क्वेश्चन में आ गया, रेजिन क्या है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉलिड सॉरी मतलब पेस्ट के फॉर्म में होता है, तो स्लाइटली सॉलिड जैसा होता है, ये भी राइट है। एक्सेस द वेस्ट सब्सटेंस इन टू द सॉलिड अराउंड देम, ये भी राइट है। तो कौन सा अगर रॉन्ग है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच आंसर इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4.0 डायोप्टर, तो पी इक्वल टू -4.0 डायोप्टर, इट मीन्स दैट द लेंस इज डैश, या माइनस में डायोप्टर दिया हुआ है। तो सिंपल बात है, अगर प्लस में होता तो कॉन्वेक्स होता, माइनस में है तो कॉनकेव होना चाहिए। तो कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, तो ये तो कॉन्वेक्स तो पॉसिबल है नहीं, कॉन्वेक्स पॉसिबल नहीं है। बाकी दो बचा, वन एंड सी बचा, ए एंड सी बचा, हम करते हैं पहले। तो ये पी इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ मस्ट बी इन मीटर, मीटर में होना चाहिए। तो एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/50, 50/100, 50/100, तो 1/2 हुआ। तो P इक्वल टू 1/1/2 इक्वल कितना हो गया 2, पर यहाँ तो अपने को कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है, तो बाकी बचा मतलब ये बचा, ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो बाकी C इज करेक्ट आंसर। सिंपल बात है, F इक्वल टू -25/100, 1/4, तो P इक्वल टू 1/-1/4 इक्वल टू -4.0 डायोप्टर, ये आंसर मिलेगा। कौन सा मिलेगा आंसर, तो F इक्वल टू P 25/100 इन मीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया 1/4, तो P इक्वल टू 1/F, 1/F की वैल्यू कितनी है, तो -1/4 है, 4 न्यूमरेटर बन जाएगा, तो -4.0 डायोप्टर। तो विच आंसर इज राइट है, तो ऑप्शन सी इज राइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 40, रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट शुड बी सो दैट साइज ऑफ इमेज इक्वल टू, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल बात करते हैं हम, कभी कौन से प्लेस पे साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो सपोज ये ले लो, कभी ये सपोज हम कौन के हो मिरर ड्रॉ करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रे नंबर 1 रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, रे पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज फ्रॉम एग्जैक्टली बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स दोनों इक्वल हाइट वाले हो गए। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 0.15 दिया हुआ है अपने पास, तो एफ कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी डिस्टेंस पी सी का डिस्टेंस 2F, 2 × 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू कितना हुआ 30 सेंटीमीटर हुआ। एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर दिस इज द करेक्ट,
15 तो रॉन्ग है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, बिटवीन 15 एंड 30 तो स्मॉलर देन पॉसिबल है, मोर देन 30 तो स्मॉलर पॉसिबल है, तो विच आंसर इज करेक्ट, तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर, विच आंसर इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इन इट, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है एंड बाद में लेता है, तो सिंपल बात करें तो कौन सा होता है, तो जो फंगी होती है इसका मेन फंक्शन क्या है, कपड़े ब्रेक डाउन करने का, इसके बाद ऑप्टेन करने का या इंटेक करने का, तो मेन इसमें मशरूम फंगी में नहीं आता, यीस्ट भी नहीं आता, पैरामीशियम भी नहीं है, पैरामीशियम नहीं अमीबा, बराबर कौन सा है, मतलब यीस्ट भी है तो मशरूम है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, तो यीस्ट है मतलब यीस्ट मशरूम ब्रेड माउल्ड इसके अंदर फंगी दिखती है, जो ब्रेड की जो स्लाइस होती है दो दिन के पड़ी जाती है तो अपने को ऐसे डॉट डॉट ग्रीन कलर के दिखते हैं, इसलिए ये आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो विच इज़ द आंसर, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, इन ए पर्सन डबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का जो पार्ट है मतलब ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये पार्ट है मतलब रोमी बोलते हैं, इसके अंदर कैपिलरी होती है, तो इन ए नेफ्रॉन डबल पार्ट ऑफ इन नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग, अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता तो क्या होता, यूरिन बी नॉट फॉर्म, यूरिन फॉर्मेशन होता नहीं था तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन अनअफेक्टेड ये भी पॉसिबल नहीं है, यूरिन इज मोर कॉन्सनट्रेटेड ये भी पॉसिबल नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन होता है क्वांटिटी क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं होती, यूरिन इज मोर कॉन्सनट्रेटेड भी नहीं होता, यूरिन इज मोर डायल्यूटेड ये पॉसिबल होता है, विच इज़ द आंसर, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज आंसर, तो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 43, इफ द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस इज थ्री टाइम द साइज ऑफ फ्लेम, ऑब्जेक्ट से थ्री टाइम ज़्यादा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू थ्री टाइम है, थ्री टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस है, तो 80 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस तो वी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज मीन्स पोल ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कभी एम एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी कैंडल बी प्लेस, कैंडल कौन से पोजीशन में रखे तो हमको ये टाइप का मिलेगा, तो एम इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है,
कभी माइनस वी अपॉन यू, तो थ्री टाइम इक्वल टू माइनस वी, तो 80 दिया हुआ है अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, देयरफॉर यू इक्वल टू माइनस 80 अपॉन 3, तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर, यहाँ 80 दिया हुआ है तो ये नहीं पॉसिबल है, यहाँ 40 दिया हुआ है ये भी पॉसिबल नहीं है, 40 अपॉन 3 दिया हुआ है ये भी पॉसिबल नहीं है, विच इज आंसर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44। हियर इज कॉनकेव मिरर, ये आउट साइड रफ साइड है, इन साइड शाइनिंग वाली साइड है, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर बिटवीन एफ एंड सी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी सपोज कर दो, द रे इंसिडेंट ऑन द एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिमेन बैक इन सेम डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द फॉर्म बिलो बिटवीन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू दिस इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द सी, तो कैसा होगा कभी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ऑप्शन कौन कौन से दिए हम देखेंगे, वाइल लुकिंग एट द एबो डायग्राम नलिनी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल इमेज, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस देन वर्चुअल इमेज इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग है, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दे इंसिडेंट रे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट है। नंबर 3, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, तो हम देखा हमने क्या ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये कैसा हुआ तो इन्वर्टेड हुआ, ये भी करेक्ट है। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड हैंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, पहले बताया कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसे होनी चाहिए, तो नेगेटिव होनी चाहिए, तो कौन कौन से अपने पास ऑप्शन में करेक्ट है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कौन से ऑप्शन के अंदर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है, तो इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर भी पॉसिबल नहीं है, सेकंड एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सी, तो विच इज द आंसर राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखो डायग्राम के अंदर मीडियम 1 दिया हुआ है, मीडियम 2, मीडियम 3 एंड मीडियम 1, मीन्स मीडियम 1 एयर सपोज कर दो, ये तो एयर होगी, इन द डायग्राम लाइट इज ट्रैवल टू द डिफरेंट मीडियम, इट इज नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बट एंगल 2 लेस देन एंगल 1, एंगल 2 लेस देन एंगल 1, तो सिंपल बात है कभी एंगल 1 इज लेस एंगल 2 इज लेस देन 1, तो ये कैसा मीडियम होगा, तो थिक मीडियम होगा, ये थिन मीडियम होगा, तभी पॉसिबल है। वी नो दैट व्हेन ए रे इंसिडेंट फ्रॉम द थिन मीडियम टू थिक मीडियम इट बेंड टॉवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के प्रति बेंड होता है, मतलब एंगल छोटा बनेगा, तो एंगल 2 छोटा होगा, एंगल 1 बड़ा होगा, तो पहली कंडीशन अपने को दी है एंगल 2 छोटा है, एंगल 1 बड़ा है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट टू है, तो मीडियम 1 इज डेंजर देन मीडियम 3 बट इज डेंसिटी इक्वल टू मीडियम 2, ये तो रॉन्ग है कि मीडियम 2 के अंदर बेंट ओवर दी नॉर्मल है, ये थिक मीडियम, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 देखें,
मीडियम टू इज रेरेस्ट मीडियम। नंबर टू, हमने देखा बेंट टॉवर दी नॉर्मल रेरेस्ट मीडियम पॉसिबल ही नहीं है, वो थिक मीडियम है, हम सिंपल सोचेंगे। नंबर थ्री इज अ डेंजर देन मीडियम वन। मीडियम वन से डेंजर मीडियम दिया है, यहाँ दिया है एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री दिया हुआ है, इक्वल टू एंगल फोर दिया हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि दोनों सेम मीडियम होना चाहिए। लास्ट में दिया हुआ है नंबर डी, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम डी की बात करते हैं, डी में क्या लिखा हुआ है, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। मीडियम वन एंड थ्री आर एसेंशियली द सेम मीडियम, वन एंड थ्री मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम तभी एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होगा। नंबर सेकंड, बट मीडियम टू इज डेंजर वन एंड थ्री, वन एंड थ्री से नंबर टू डेंस होना चाहिए। तो हमने आगे बताया कि वन से टू डेंस है, क्यों, एंगल टू छोटा एंगल वन बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा डी, तो आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिंट ग्लास इज 1.65। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिंट ग्लास इक्वल टू 1.65 एंड दैट फॉर द अल्कोहल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अल्कोहल इक्वल टू 1.36 है। विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये अल्कोहल है विथ रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, जो विथ रिस्पेक्ट टू आ जाए इसको डिनोमीटर में पुट करने का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन प्रिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अल्कोहल, रिस्पेक्ट टू अल्कोहल है इसलिए, तो 1.65 डिवाइड बाय 1.36, हम 1.65 को डिवीजन करेंगे 1.36 बन जा 1.36, तो क्या मिलेगा, तो 290 का पॉइंट लिया, जीरो कैरी किया, कौन से होता है तो 2 जा, तो 2.72 होगा, 18 बचा, 0 0 तो 1.21, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.21, ये होता है आंसर राइट है। तो कौन सा आंसर राइट है, तो बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 47। ए लेंस है, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ए बी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर बट इमेज कैन नॉट फॉर्म बिहाइंड द लेंस बाय एक्सटेंडिंग द फॉरवर्ड इट इंटरसेक्ट एट द ए डैश द ए डैश बी डैश दिस इज द इमेज दिस इज द ऑब्जेक्ट द एबव लेंस हैज द फोकल लेंथ, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कितनी होती है, प्लस होती है, प्लस प्लस 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इक्वल टू 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू तो 2/10 ये सेंटीमीटर में कन्वर्जन हुआ, हम देखते हैं h इक्वल टू तो 0.2 हुआ। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ लेंस फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है। हम देखेंगे अपने पास कभी
हाइट ऑब्जेक्ट एस दिया है, ए दिया है, अभी प्लेस है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दिया हुआ है, यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 1/f, तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है तो -5, देयरफॉर 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/5, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5, एलसीएम 10, 1 माइनस 2 माइनस 1/10, तो इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, मीन्स इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर एट द 10 सेंटीमीटर। नाउ वी सो द मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू, हम यहाँ देखेंगे अभी एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, तो एम इक्वल टू एच कितना होगा, एच डैश तो -10 सेंटीमीटर, एच कितना मिला अपने पास, एच इक्वल टू हाइट था अपने पास 0.2, तो 0. हाइट में तो 2/10, तो 2/10 इक्वल टू हम देखते हैं 0.2 इक्वल टू एम इक्वल टू, तो कितना मिलेगा आंसर, तो 2 मिलना चाहिए आंसर। तो फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, विच इज द हाइट ऑफ इमेज, तो हम फॉर्मिंग करेंगे कभी 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कभी एच इक्वल टू तो 2 × कितना मिलेगा अपने पास, एलसीएम कितना मिलेगा 10, 1 माइनस 2 -1/10 हम देखेंगे, तो वी इक्वल टू कितना मिला, तो -10 मिला। हम देखते हैं एम इक्वल टू, तो कहते हैं एच, सॉरी गलत किया हमने, कि एच इक्वल टू 2 दिया हुआ है 2/10 सेंटीमीटर, तो एच के हिसाब से एच इक्वल टू -v/u होता है, तो अपने पास मिलेगा कभी हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू तो 4 सेंटीमीटर आंसर। देयरफॉर एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू तो कितना होगा 4/10, तो 4 मिलीमीटर आंसर होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो कौन सा आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन सी दिस इज द आंसर। नाउ वी स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन 48। ए केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड द फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देख के इसको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसकी आए, तो केबल मतलब वायर बनाने की फैक्ट्री आए, तो सिंपल बात है कि जो वायर बनाने की फैक्ट्री होती है ये मैलेबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, वायर बनाए इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बराबर हाई होना चाहिए, तो ये भी हम देखते हैं बराबर, तो मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होना चाहिए बराबर ना, तो क्या है मतलब अपने पास हम देखेंगे कभी ए राइट है, ए भी राइट है, वायर बनाने का पहले करंट पास होना चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए, नंबर 2 मेलेबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ये भी 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 पॉसिबल नहीं है, तभी कौन सा होगा, कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, मेलेबल होना चाहिए बराबर, तो क्या क्या होना चाहिए अपने पास, हम सिंपल देखेंगे तो सबके अंदर सी के अंदर ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पर वायर है इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, तो विच ऑफ द एबो एलिमेंट वेयर बराबर डिस्कार्डेड फॉर द यूज ऑफ द कंपनी,
उसी कंपनी को मना कर लेगा। तो सिंपल बात है, कभी मेलेबल होना चाहिए। एक्स भी है, वाई कंपनी भी है, जेड कंपनी है, ये पॉसिबल नहीं है, बराबर। डक्टाइल, तो डक्टाइल कम तो होना चाहिए, यस नो नो लिखा हुआ है, बराबर। इलेक्ट्रिकल, यस 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 और नो, बराबर। तो ये कौन सा आंसर में नहीं मिलना चाहिए अपने पास, तो बी वाले को छोड़ देगा, क्योंकि अपने को डक्टाइल तो होना ही चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मतलब कभी एक्स और वाई है और जेड है, विच ऑफ द एलिमेंट वेयर डिस्कार्डेड यूज ऑफ द कंपनी, कंपनी यूज के लिए कौन सा डिस्कार्ड करेगा, कौन सा करेगा। तो ये है मतलब, तो डक्टाइल होना चाहिए, यहाँ लिखा है नो लिखा हुआ है, या नो लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। तो ये दोनों मतलब इसको कंपनी क्या करेगी, ए बी को, मतलब बी कौन सा था, तो एक्स वाई एंड जेड ये तीनों राइट है, ये लास्ट वाला रॉन्ग है, बराबर। विच इज डिस्कार्डेड बाय यूज ऑफ द कंपनी, तो कौन सी कंपनी उन्होंने करेगी, तो मेलेबल ये है, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा अपने को, तो ऑप्शन बी इसको छेड़ देगी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड इसको एक्सेप्ट करेगी। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो 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 हाई, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो विच ऑफ द एबो एलिमेंट वेयर डिस्कार्डेड फॉर द यूजेज बाय द कंपनी, कौन सा डिस्कार्ड करेगी, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड ये कंपनी डिस्कार्ड करेगी, क्योंकि मेलेबल है ये तो पॉसिबल नहीं है, ये डक्टाइल जो है दोनों है, ये तीनों दिन एक ए डिस्कार्ड करेगी, दूसरा वाई और तीसरा मतलब जेड, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और मैंने ये हमने 31 to 48 एमसीक्यू हमने सॉल्व कराए, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 49 to 60 तक वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर जो सब भी एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द पॉइंट, लंबा टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। तो अगर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही ज़्यादा वीडियो मिलती जाएगी। हम नेक्स्ट रखने वाले हैं चैप्टर 6 का जो वीडियो, ट्राइंगल्स का वीडियो बाकी है, जो प्रूव दैट ए राइटर, इसके रखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।